Hello guys, I am Shuman, welcome you all in my Commerce Gateway classes and in my 11th video of second chapter of accounting, that is basic accounting terms. In this class, we are going to understand the intangible assets terminologies. ठीक है, हम लोग हालांकि intangible assets हमने पढ़ा था क्या होता है, लेकिन उसके terminologies को आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है. हालांकि ये practical life में terminologies या कभी कभी आप interview में जाते हो या कोई चीज़ को competitive exams देते हो तो उसमें ये terminologies आ जाती हैं. ठीक है, तो आज हम लोग उसी intangible assets के terminologies को deal करेंगे और वही terminologies आपकी help करेगी आपके concept से deal करने में जब आप बैलेंस शीट बनाओगे और उससे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टर्मिनोलॉजीज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. गुडविल. सो हमारा पहला टर्मिनोलॉजी जो है टेंजिबल एसेट्स का है वो गुडविल. समझते हैं क्या होता है गुडविल. गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको ना आप देख सकते हो ना आप छू सकते हो लेकिन आप महसूस कर सकते हो. ठीक है, सो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट और एडवांटेज that business has because of the factors that help in increasing profits. Basically, ये एक benefit है उन factors की वजह से जो business को help करते हैं उसके profit को increase करने के लिए. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि profit को increase करने के लिए तो बहुत सारे factors होते हैं like cost of assets, depend करता है कि cost कम है तो profit ज़्यादा होगा और vice versa. और इस तरह के बहुत सारे factors होते हैं लेकिन गाइस वो गुडविल नहीं है. ठीक है, गुडविल का मतलब होता है वो फैक्टर जो बिजनेस जो बिना किसी आपके एफर्ट्स के आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, गुडविल का मतलब होता है वो फैक्टर्स जो बिना किसी आपके एफर्ट के आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, अब बेसिकली गुडविल इज सेट विद द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. ठीक है, अगर बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी है तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा. अगर बिजनेस की रेपुटेशन कम है तो एडवर तो ऑब्वियसली बात है इट विल एडवर्सली अफेक्ट इट्स प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, तो अब हम मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल्स लिया हुआ है, एक एग्जांपल स्पेंसर का है और एक एग्जांपल इजी डे का है. स्पेंसर जो कि 1986 से इस्टेब्लिश हो रहा है. ठीक है, और इजी डे जो कि 2008 में इस्टेब्लिश हुआ, तो ऑब्वियसली आप एक बार बताओ कि कस्टमर्स कहाँ ज़्यादा प्रेफर करेंगे. ऑब्वियसली बात है स्पेंसर जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि उसकी गुडविल है, रेपुटेशन है, ट्रस्टवर्दीनेस है और आपको पता है कि वो शॉप आपको चीट नहीं करेगा और आपको जो भी सामान मिलेगा वो जेन्युइन मिलेगा. ठीक है, तो ये था गुडविल का कॉन्सेप्ट, होप्स आपको क्लियर होगा हुआ होगा. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला आता है लोकेशन फैक्टर्स. ठीक है, लोकेशन फैक्टर्स, अगर आपका बिजनेस किसी ऐसे लोकेशन पर है जहां मार्केट बहुत इस्टेब्लिश है तो कस्टमर ज़्यादा आएंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो गुडविल अच्छी हो जाएगी. ठीक है, दूसरा टाइम फैक्टर, अगर आपने लोकेशन ऐसी जगह पर रखा है जहां का कंज्यूमर का टाइम बच रहा है, ठीक है, वो तुरंत सामान लेकर आ गया, ठीक है, तब क्या होगा, तब ऑब्वियसली बात है टाइम फैक्टर की वजह से आप कस्टमर्स को उतना दूर एफर्ट नहीं करना पड़ेगा जाने के लिए. ठीक है, तो उससे आपकी गुडविल भी इंक्रीज होगी. ठीक है, नेचर ऑफ द बिजनेसेस की बात करें तो क्या होगा, नेचर ऑफ बिजनेसेस. ठीक है, जैसे कि हम सब बात करते हैं अमूल दूध की, अमूल मिल्क. ठीक है, अमूल मिल्क हैज अ हाई वैल्यू प्रोडक्ट. ठीक है, बहुत नेसेसरी है ये. ठीक है, मिल्क इज एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स. ठीक है, और हम लोग मिल्क जो प्रेफर करते हैं वो अमूल का ही प्रेफर करते हैं बिकॉज इट इज अ हाई वैल्यू प्रोडक्ट एंड स्टेबल डिमांड. तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट की वजह से और स्टेबल डिमांड होने की वजह से उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा और गुडविल भी इंक्रीज होगी. नेक्स्ट वन आता है कैपिटल रिक्वायर्ड. ठीक है, अगर मान लीजिए कैपिटल रिक्वायर्ड अगर मान लीजिए कोई बिजनेस की कैपिटल ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट अर्निंग कम है तो ऑब्वियसली इसका गुडविल क्या होगा, कम होगा. ठीक है, ये था कैपिटल रिक्वायर्ड. एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, एफिशिएंसी, अगर आपके बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है, कैपेबल और कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, तो बिजनेस की जो वर्किंग होगी वो एफिशिएंट होगी. एफिशिएंट वर्किंग की वजह से रेपुटेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, गुडविल बढ़ेगी. तो ये था कॉन्सेप्ट गुडविल का, होप्स आपको क्लियर हुआ होगा. ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ट्रेडमार्क. ठीक है, ट्रेडमार्क भी एक इंटेंजिबल एसेट्स है. ठीक है, अब समझते हैं ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है. ट्रेडमार्क आपके बिजनेस या प्रोडक्ट को यूनिक पहचान दिलाते हैं, साथ ही आपके बिजनेस को कोई कॉपी ना कर सके और आपका बिजनेस को सिक्योर करने के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किया जाता है. इसमें आपके बिजनेस का नाम, लोगो,
टैगलाइन, स्लोगन, आइडियाज एक्सेट्रा भी रजिस्टर किए जा सकते हैं, ताकि आपको ताकि आपके कस्टमर मिसलीड ना हो और आपका बिजनेस को अलग पहचान मिले। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ए ट्रेडमार्क इज गिवन टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू द मार्क्स ऑफ द ट्रेड। ठीक है, ट्रेडमार्क इसलिए दी जाती है ताकि आप अपने लोगो, ताकि आप अपने प्रोडक्ट के लोगो, यूनिक नेम जो आपने रखा है, टैगलाइन जो रखा है या स्लोगन रखा है, उसको आप लीगली प्रोटेक्ट कर सको, या ताकि कोई इन फ्यूचर उसको कॉपी ना कर पाए। ठीक है, इट इज एन आइडेंटिटी दैट सर्टेन प्रोडक्ट और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय सर्टेन पर्सन और एन आइडेंटिटी और एन एंटिटी। कहने का मतलब है कि ये हमारा सर्विसेज है, और डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये हमारा ब्रांड है। ठीक है, ताकि कोई और उसको इन फ्यूचर में वो अपना ना बना सके। ठीक है, ट्रेडमार्क इस पर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम होता है बेसिकली, यहाँ पर मैं चेंज करना चाहूंगा कि ट्रेडमार्क जो होता है वो बेसिकली 10 ईयर्स तक ये वैलिड होता है, फिर उसके बाद ये मार्केट डोमेन में आ जाता है, तो फिर आपके कॉपी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने के लिए, अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, या मैंने प्रोडक्ट अमेजोन का लिखा है। ठीक है, तो अमेजोन में क्या होता है कि ए टू जेड जो इसका एरो बनाया गया है, वो ये कहता है कि ये ए टू जेड इन्वेंट्री में डील करता है। तो ये अमेजोन कंपनी का ये क्या हो गया, टैगलाइन, अमेजोन कंपनी का ये सिंबल हो गया। ठीक है, और इसका टैगलाइन हम सभी को मालूम है कि आपकी अपनी दुकान। ठीक है, ये आप एप्पल देखकर बता सकते हो कि ये आईफोन का ये सिंबल है। ठीक है, आईफोन का इसको देखकर आप बता सकते हो, जो फोर्ड सर्कल्स खींचे गए हैं उसको देखकर आप कह सकते हो कि ऑडी का सिंबल है। और ये जो इंसान बना हुआ है वो सभी को, आप सभी लोग जानते हो, बहुत कॉमन है ये भुवन बाम, ये इसका सिंबल है। ठीक है, तो ये ट्रेडमार्क क्या होता है, लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अपने प्रोडक्ट के ब्रांड, लोगो, नेम, टैग, स्लोगन, आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था मेरा ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, पेटेंट। ठीक है, पेटेंट भी एक इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट है। जब कोई इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट कुछ इन्वेंट करते हैं या कुछ इनोवेट करते हैं, तो उन्हें एक चीज का डर रहता है कि कोई दूसरा उनके प्रोडक्ट को कॉपी ना कर ले। तो इनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप पेटेंट फाइल कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, आप पेटेंट फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो पेटेंट होता क्या है, बेसिकली पेटेंट एक लीगल राइट्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। इससे कोई भी इन्वेंटर अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं पेटेंट फाइल करके। ठीक है, जब आप पेटेंट फाइल करते हो तो वो 20 साल के लिए ही वैलिड होता है, 20 साल के लिए ही उसका मान्य होता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। और फिर उसके बाद होता क्या है, फिर वो मार्केट डोमेन में आने लगता है और कॉपी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये था पेटेंट का कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है इसका मतलब, वही चीज है, उसी बात को बार बार कह रहा है कि पेटेंट इज एक्सक्लूसिव लीगल राइट्स, एक एक्सक्लूसिव लीगल राइट्स है किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, प्रोडक्ट प्रोसेस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए प्रोडक्ट, या बेचने के लिए प्रोडक्ट, 20 साल तक सिर्फ उसका वैलिडिटी माना जाता है। द आइडिया बिहाइंड द पेटेंट इज दैट इफ द पर्सन डेवलप्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, अगर कोई पर्सन एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, या कोई नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करता है, या कोई डिवाइस क्रिएट करता है, तो ही और शी कैन पेटेंट इट। ठीक है, वो पेटेंट करा सकता है। ठीक है, एंड प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम कॉपिंग इट, और दूसरों की कॉपी करने से वो बचा सकता है उसको। ठीक है, तो ये था पेटेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ताकि दूसरा उसके प्रोडक्ट को कॉपी ना कर सके। ठीक है, तो ये था पेटेंट का कॉन्सेप्ट, होप्स आपको क्लियर होगा, हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये स्लाइड जो है मेरा, वो है कॉपीराइट पर। ठीक है, तो कॉपीराइट पर जैसे कि आप सिंबल देख ही रहे हो ऊपर कि सी बना हुआ, फिर ऊपर से सी के ऊपर एक सर्कल बना होती है, ये कॉपीराइट का सिंबल होता है। ठीक है, अब समझते हैं कॉपीराइट का मतलब क्या होता है। कॉपीराइट का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज को कॉपी करने की राइट्स, जैसे कि मूवीज हो गया, म्यूजिक्स हो गया, फोटोग्राफ्स हो गया, पेंटिंग्स हो गया, पोएम्स हो गया, नॉवेल्स हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, और ये राइट्स आपको पता है किसको दी जाती है, ये राइट्स उसको दी जाती है जो इसका ओनर होता है या उसके ऑथर होते हैं, और इनके अलावा कोई उनको कॉपी करता है बिना उनके परमिशन के, तो हम लोग उन्हें कहते हैं कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। जिससे ओनर को उससे क्रिएटिव वर्क के लिए कॉपीराइट एक्ट 1957 के अकॉर्डिंग कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, अब कॉपीराइट में ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है वर्क्स और एक होता है राइट्स। ठीक है, कॉपीराइट किस टाइप के काम पे मिलता है, ये 6 चीजों के काम पर मिलता है। ठीक है, क्या क्या होता है, सबसे पहला होता है साउंड रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, साउंड रिकॉर्डिंग्स क्या होता है,
किसी भी तरह की साउंड रिकॉर्डिंग्स हो, जैसे कि सिंगिंग, वॉइस, साउंड इफेक्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरा सिनेमेटोग्राफी, इसमें हमारा आ जाता है किसी भी तरह की विजुअल रिकॉर्डिंग, जैसे कि फिल्म, वीडियोज एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है क्या, लिटरेरी वर्क्स। लिटरेरी वर्क जो टेक्सचुअल वर्क्स होते हैं, जैसे कि बुक्स हो गया, सॉन्ग्स के लिरिक्स हो गए, पोएट्रीज हो गई एक्सेट्रा, तो ये आता है लिटरेरी वर्क्स में। नेक्स्ट वन आता है म्यूजिकल वर्क्स। म्यूजिकल वर्क्स जिसमें आते हैं म्यूजिकल कंपोजिशन, यानी कि धुन, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है ड्रामेटिकल वर्क। ड्रामेटिकल वर्क इसमें आते हैं हमारे स्क्रीन प्लेस, स्क्रिप्ट, कोरियोग्राफी, फिल्म के सिनेरियोस एक्सेट्रा, ठीक है। और लास्ट होता है आर्टिस्टिक वर्क। आर्टिस्टिक वर्क जिसमें आती है पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ड्रॉइंग्स, चाहे वो प्रोफेशनल हो या अनप्रोफेशनल हो, वो आती है मेरी आर्टिस्टिक्स वर्क्स के अंदर, ठीक है। अब उस वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए ओनर्स को अलग अलग राइट्स दी जाती है, ठीक है। कौन कौन से राइट्स होते हैं, बेसिकली पहला राइट जो है टू मेक अ कॉपी, टू सेल अ कॉपी, टू कम्युनिकेट द पब्लिक, टू परफॉर्म द वर्क इन पब्लिक, और टू रिप्रोड्यूस द वर्क, ठीक है। तो ये था मेरा कॉपीराइट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा कि कॉपीराइट का क्या मतलब होता है, वर्क्स का मतलब क्या होता है, राइट्स का मतलब क्या होता है, कॉपीराइट इंफ्रिंचमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये मेरा खत्म होता है यहीं पर मेरा इंटेंजिबल एसेट के टर्मिनोलॉजी। बेसिकली ये चार टर्मिनोलॉजीज मेन इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए, कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क और पेटेंट। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपके कल क्लास में। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।